दुनिया के अंदर ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, ये दुबई है, ये सिंगापुर है, इस सारे को लोगों ने तारे बिछा के कनेक्ट कर दिया। कैसे? मतलब समंदर के अंदर तारे बिछी हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, सैटेलाइट होती थी, यूं सैटेलाइट से थ्रू डेटा ऊपर भेजते थे। जब आपका जमाना था तो सैटेलाइट आई नई, तो यहाँ से डेटा ऊपर भेजते थे, फिर वहां से नीचे ले देते थे, क्योंकि दुनिया गोल है, यहाँ से यहाँ तक जा नहीं सकता। अब क्या हुआ, उन्होंने तारे बिछा दी। सबसे पहले 150 साल पहले जब वो आया, टटक 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 टटक, उन्होंने वो तार बिछाई। पहले एक तार बिछी, एक तार पूरी दुनिया बिछी, फिर उसके बाद दो तारे बिछाई गई, फिर उसके बाद 8 तारे बिछाई गई, फिर अब फाइबर ऑप्टिक्स बिछा दी है। फाइबर, एक फाइबर ऑप्टिक का जो तार है वो बाल के बराबर होता है, और उस तार के अंदर से 5000 नॉर्मल कॉपर की तारों के बराबर से मालूमात जाई आ सकती है। अब दुनिया में चारों तरफ जंगल बिछा हुआ है समंदर के अंदर से तारों का। अच्छा, अब ये है डिफरेंट कंप्यूटर्स, जैसे ये एक मोबाइल है। ये मोबाइल 2012 में जो मोबाइल है, ये 1960 के अंदर जो 1000 करोड़ रुपए का कंप्यूटर आता था उससे भी तेज है। और उस कंप्यूटर की जो साइज होता था वो एक टेलीफोन एक्सचेंज के बराबर होता था, और वो इससे स्लो था। ये जो टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग से भी, जो बड़े कंप्यूटर थे उससे भी तेज है ये एक मोबाइल, और ये हर इंसान की अब जेब में चला गया। तो इस कंप्यूटर, इसके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है छोटा सा, इसको हम वायरलेस के जरिए, तार, जिस तरह कोर्डलेस फोन होता है, उस कोर्डलेस फोन के जरिए के टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कनेक्ट करते हैं। एक अदद डिवाइस बाहर रखी हुई है आपके घर में, वो एंटीना है इसका, ये इससे बातें करता है। कलम कहेंगे, वो जो एंटीना है वो यहाँ लगा हुआ है, वो इस टेलीफोन की तार के जरिए इस बड़े कंप्यूटर पे जाता है। ये बड़ा कंप्यूटर इस फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए एक और बड़ा कंप्यूटर जो अमेरिका में लगा हुआ है उस पे जाता है। तो ये अमेरिका से हमारी अब कोई बात छुप नहीं सकती। छुप सकती है, लेकिन अगर आप ये जो इलम है यहाँ रखा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे पहले हार्वर्ड पढ़ने जाते थे, स्टैनफोर्ड पढ़ने जाते थे, तो एक जहाज में बैठना होता था, जाना होता था। अब क्योंकि ये तारें बिछी हुई हैं, तो हम हार्वर्ड खट 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 लिखते हैं, हार्वर्ड हमारे सामने आ जाते हैं। हम स्टैनफोर्ड लिखते हैं, स्टैनफोर्ड आ जाता है। MIT लिखते हैं, MIT। अलीगढ़ लिखते हैं, अलीगढ़ आ जाता है। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हम इल्म लेना चाहें वो हमारे सामने हर वक्त होती है। हमारे ऊपर है कि हम जाएं या ना जाएं। अक्सर लोग इस मुल्क के अंदर नहीं जाते इसलिए कि उनको ये इल्म ही नहीं है कि वो जा सकते हैं। मुझे पहली दफा मालूम हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जब मैं फिल्म बनाता हूँ अपने मोबाइल से, इसमें एक बटन है, मैं उस बटन को दबाता हूँ तो वो फिल्म उस तारों के जरिए अमरीका में यहाँ पहुँच जाती है। उस कंप्यूटर का नाम है YouTube। अब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो का चैनल है, टीवी चैनल समझ रहे हैं, वीडियो चैनल समझ रहे हैं। अब मेरी फिल्म, मेरा अपना टीवी चैनल है, मैं यहाँ से उठाता हूँ, बटन दबाता हूँ, वो मेरे टीवी चैनल पे पहुँच जाता है। वो कंप्यूटर कहाँ रखा है, वो अमेरिका में रखा है, और जितने बाकी दुनिया में लोग हैं वो उस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। दुनिया में जितने लोग हैं, यानी कि 2 अरब लोग इस वक्त उस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। अब फर्ज करें, मैंने एक फिल्म बनाई फातिमा सुरिया बजिया का इंटरव्यू, वो इंटरव्यू इस सर कंप्यूटर पे आया, वो वहाँ रखा है, उसका नाम है, उसका पता होता है हर फिल्म, एक आदमी का चैनल का पता है। मिसाल के तौर पे आप चैनल 1 दबाती हैं टीवी पे, तो चैनल 1 पे PTV आ रहा होता है, चैनल 2 पे Jio आ रहा होता है, चैनल 3 पे कुछ और आ रहा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर पते होते हैं, YouTube.com, Jio.com, CNN.com, PTV.com, Google.com, Yahoo.com, ये पते होते हैं। उसके बाद पते को लंबा करते हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो इलाका है उसका नाम है मुस्लिमाबाद, तो आपके घर का नंबर है 16 मुस्लिमाबाद, बराबर वाला 17, उसके आगे 18, लेकिन सब मुस्लिमाबाद। बिल्कुल इसी तरह सब YouTube पे हैं। मेरा चैनल है YouTube.com/ रेहान अल्लाह वाला, आपका चैनल है
youtube.com/FatimaBajiya सबके पते हैं, सबको, हर इंसान दुनिया में जो रहता है उसका अपना टीवी चैनल है और वो उस चैनल को कोई भी देख सकता है। तो 2 अरब लोगों के 2 अरब टीवी चैनल हो गए और 2 अरब लोग अपनी मर्जी की बात वहां पे लोगों को दिखा सकते हैं। अच्छा, जब आप दिखाएंगे तो पहले क्या होता था, पहले आपको टीवी स्टेशन जाना होता था, वहां पे कैमरे लगे होते थे, रिकॉर्डिंग होती थी, सैटेलाइट होती थी, ब्रॉडकास्ट किया जाता था। अब ये टीवी स्टूडियो है, आप इसके सामने होके जो बोलेंगे वो उस सर्वर पे जो यहाँ अमेरिका में लगा हुआ है, आप बटन दबाएंगे वहां चला जाएगा। जाने के बाद अब मिसाल के तौर पे मैं दुबई में था, मैंने एक फिल्म बनाई, उसको मैंने बटन दबाया, इस सर्वर पे चली गई। लगने के बाद अब मेरे जितने दोस्त हैं उनको पता चला गया रेहान ने नई फिल्म बनाई है, तुम चाहो तो देख लो, उनको इतला चली गई डाक के जरिए, ईमेल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए। अब अगर वो बटन दबाएंगे तो उनके टीवी पे वो फिल्म आना शुरू हो जाएगी। तो ये है एक तरीके का इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ये है इंटरनेट। और ये इंटरनेट वो ऐसी ताकत है या वो ऐसी चीज है जो कि सबको बराबरी का हक देती है। हर इंसान जो दुनिया में रहता है उसको उतना ही हक है जितना कि एक अमीर को हक है, उतना है जितना कि गरीब को हक। और ऐसा कभी नहीं हुआ कायनात में कि ये हुआ पाप दुनिया में कि ये ऐसे हुआ हो कि हर इंसान गरीब हो अमीर हो उसके पास मौका जो है अपॉर्चुनिटी वो बराबर वो मौजूद है। अब कसूर किसका हुआ कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, 2 हुआ, एक हमारा एज अ हुकूमत या हमारा एज अ सिटीजन ये काम होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि ये आप कर सकते हैं। और जब उसके अंदर ये बात बता दी कि ये कर सकते हैं, अब उसके ऊपर फर्ज हो गया कि आप करें। और कोई इल्म आज दुनिया का ऐसा नहीं है जो आप वहाँ जाके नहीं पढ़ सकते हो। मैं मैट्रिक के बाद स्कूल नहीं गया, लेकिन जो इल्म चाहिए मैं लिखता हूँ, 1 घंटे में मैं मैनेजर मैं MBA कर सकता हूँ दो उस सब्जेक्ट के ऊपर। मुझे अगर आमों पे रिसर्च करनी है मैं सारे आम की रिसर्च यूँ कर सकता। अब आपने पूछा कि ये फिल्म यहाँ बैठी कैसे आ गई कंप्यूटर पे, ऐसे आई कि ये कंप्यूटर आपका यहाँ रखा हुआ है, ये देखें इधर, इधर देखें, ये आपका घर है, ये तार गई हुई PTCL की, ये अमेरिका से लेकर आ रहा है। तो जब आप वो फिल्म चल रही हो लाइव अमेरिका से आ रही है लाइव, उसमें कहीं कोई बीच में बोलने वाला नहीं। ये है इंटरनेट का कमाल। और इसी वजह से जरूरी है कि आज के बाद से लोग आप जितनी बातें करना चाहती हैं आप लोगों को तक पहुंचाएं, जो आपका चाहने वाला है वो आप तक पहुंच सकता है। ये रास्ता अब जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म बन गई, अब इसी फिल्म से हजारों लोग और भी फायदा उठा लेंगे। तो एक बात को एक तक क्यों पहुंचाएं, जब आप एक इंसान तो हैं लेकिन आप एक इंसान हजारों लाखों को, तो ये है इसका फायदा। और ये मिसकम्युनिकेशन को भी रोकता है, यानी कि अगर मैंने आपको कोई पैगाम दिया, आपने उसको बताया, आपने उसको बताया, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो चूहा जो था वो बिल्ली में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे वो क्या सीखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही बात पहुंची जो यहाँ से चली थी वो वहां भी वही बात चल रही। तो मैंने उसकी बात आपको नहीं बताई कि मुझे एक अफगानी मिला था उसने ये किया, नहीं आपने उस ये देखें ये आदमी ये सुन लें आप नहीं, मुझे करना पड़े ये हमारा काम हो जाए जरा अमल अमल का।